गव्य पदार्थ का प्रयोग यदि भोज्य पदार्थों में न हो तो शास्त्रों में लिखा है कि उस अन्न पर प्रेतों का अधिकार हो जाता है। इसलिए घृत को हमारे यहां संतों में अन्न शुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न शुद्धि। बिना घृत के स्पर्श के अन्न शुद्ध ही नहीं होता है। चौबीस घंटे में कोई न कोई गव्य पदार्थ हमारे पेट में जाना ही चाहिए। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले गोमूत्रार्क पान करे तो भी कम से कम एक बार तो गव्य पदार्थ भीतर चला गया। अमृत अर्क ले ले तो गोमय भी चला गया। पंचगव्य ले ले तब क्या कहना। और प्रत्यक्ष आहार में भी गव्य पदार्थ में लेने चाहिए। हमने विज्ञ महानुभावों से सुना है, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र का विशेष ज्ञान है, कि प्रातःकाल प्रातराश में बाल भोग में यदि गाय का ताजा दही उपलब्ध हो तो बाल भोग के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आमाशय में आंतों में जितने भी विपरीत कीट हैं उनको वो समाप्त करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। कैंसर जैसे भयंकर कीटाणुओं को भी नष्ट कर देती है। अभी हमारे वृंदावन में ब्रज विकास परिषद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसके अध्यक्ष तो श्री योगी जी हैं, उपाध्यक्ष श्री शैलजा कांति मिश्र हैं, आईएएस अधिकारी हैं, श्री देवराहा बाबा के शिष्य हैं। तो उन्होंने बताई, कई घटनाएं सुनाई कि असाध्य कैंसर उससे पीड़ित बाबा के ही भक्त थे, श्री देवराहा बाबा के पास आए, रोने लगे, महाराज इनको कैंसर हो गया, डॉक्टर कहते आखिरी स्टेज है, क्या करें, तो मरना ही होगा। बाबा ने कहा देशी गाय का, भारतीय गाय का ताजा दही, उसमें 35 तुलसी दल और काली मिर्च पीस करके उसमें मिलाओ और उसमें थोड़ा सा जल छोड़कर उसके तक्र बना करके उसी को पिलाओ। ऐसा करके कितने लोगों को स्वस्थ कर दिया। कितना सरल है, केवल घर में देशी गाय होनी चाहिए। तो ताजा दही कैंसर जैसे कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। तुलसी दल छोड़ के यदि ले ले, तुलसी दल के साथ चबा करके ले ले, तो कैंसर जैसे कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। बाल भोग में दही, मध्यान्ह के राजभोग में घृत, याम मध्येन भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। भोजन के संबंध में आयुर्वेद में लिखा है एक याम के बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। याम मध्येन भोक्तव्यम, तीन घंटे का एक याम होता है और उस याम की गणना सूर्योदय से होती है। सूर्योदय के तीन घंटे तक कुछ मत खाओ। याम युग्मम न लंघयेत, और दो याम बीतना नहीं चाहिए, लंघन नहीं। तो एक याम बीत जाए उसके बाद फिर दही ले लो बाल भोग के रूप में, और फिर 12 बजने के पहले पहले प्रसाद पालो, मध्यान्ह प्रसाद, क्योंकि 12 बजे के बाद खाओगे तो याम युग्म का लंघन हो जाएगा, दो याम का लंघन हो जाएगा। दो याम का लंघन नहीं करना। तो 11 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब आप प्रसाद पालें। प्रसाद में
गाय का घी अनिवार्य रूप से लेना चाहिए मध्यान्ह के प्रसाद में। जूठे में गाय का घी परोसना और खाना ये स्मृतिकारों ने अत्यंत निषिद्ध माना है, बहुत बड़ा पाप बताया है। अब गो नवरात्रि है, उससे उस शब्द का हम उच्चारण नहीं करना चाहते हैं। मांस में भी अत्यंत जिसको हम पवित्र मानते हैं उसका मांस उसके तुल्य हो जाता है। इसका मतलब है अति निषिद्ध है जूठे में घी परोसना। अब मान लो इच्छा ही है कि नहीं घी दें हम, तो उसकी पद्धति यह है कि भात में दाल में घी मिला दो फिर परोस दो। सीधे जूठे में घी परोसना निषिद्ध है। द्विजाति के भोजन की थाली में यदि आ जाए इस प्रकार का, तत्काल उसे भोजन छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए भोजन। घी का इतना आदर किया गया है इसलिए भोजन के आरंभ में ही घी के परिवेषण की बात कही गई, घी को परोसना। अपनी शक्ति के अनुसार घी जरूर पाना चाहिए। उत्तम पक्ष तो यह है कि कम से कम 5 तोला घी राजभोग के समय हमारे उदर में जाना चाहिए। कितना? 5 तोला घी। कितने का होता है 1 तोला? 10 ग्राम मान लो। चल महाराज जी कह रहे 12 ग्राम का तोला होता तो 12 × 5 = 60, 60 ग्राम घी पेट में जाना चाहिए। अब तो 60 ग्राम घी जाए तो लोग कहेंगे हमारा पेट बिगड़ गया, पेट खराब हो गया। घी बहुत आवश्यक है। जितने भी रसायन हैं उन समस्त रसायनों में सबसे उत्कृष्ट रसायन है घृत। घी से श्रेष्ठ कोई रसायन नहीं है। और मध्यान्ह के भोजन में भोजन कर लेने के पश्चात भोजनांते पिवेत तक्रम, भोजन के बाद जल मत पियो, तक्र पियो। एक बात और कह दें, दही में अथवा छाछ में नमक मिला देने से उसका स्वाभाविक जो गुण धर्म है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए शक्कर की बीमारी न हो तो बूरा भले ही देसी खांड भले ही मिला ले स्वाद का ज़्यादा आग्रह हो तो, अन्यथा दही अथवा छाछ उसको सीधे ही लेना चाहिए, वो अधिक गुणकारी है। और फिर रात्रि के भोजन में भी वही, याम युग्मम न लंघयेत, याम मध्येन भोक्तव्यम, याम युग्मम न लंघयेत। और उसमें भी भोजन कर लेने के 1 घंटे पश्चात दूध पीना और दूध पीने के 1 घंटे बाद शयन करना। ये गव्य पदार्थों के सेवन की शास्त्रीय विधि है। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।